गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है वी एस आर अड्डा कंसेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पुनः सब जो जुड़े हैं ऑप्टिक्स के क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने ऑप्टिक्स का जो पार्ट है अवतल दर्पण तक देख लिया था और बड़ा मजेदार क्लास रहा। आप लोग का कमेंट भी बहुत प्यारा प्यारा रहा और उसमें जो कॉन्सेप्ट समझाया गया था उसमें सभी बच्चे काफी अच्छे से समझे, यह एक बड़ी बात थी। अब इसी बात को आज हम लोग कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो एक बार एकदम एकाग्र मन से आज के क्लास को समझिए और आज के क्लास में हम लोग फिर धुआं उड़ाने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एकदम धुआं धुआं उड़ जाएगा। आज इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा आज। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अवतल दर्पण तक पिछले क्लास हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग जो क्लास है उत्तल दर्पण की शुरुआत करेंगे और उत्तल दर्पण से आज का क्लास आगे बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसीलिए एकदम ध्यान बोर्ड पे देखिए। उत्तल दर्पण में क्या है जो समझाते हैं। उत्तल दर्पण में सबसे पहली बात है इसमें केवल काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें केवल काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है, यह भी दिमाग में सेट करेंगे। पूछेगा उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब है वास्तविक है कि दोनों है, तो दिमाग में सेट करना है कि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में केवल छोटे आकार का प्रतिबिंब बनता है। बस यही कंसेप्ट है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग देखेंगे और उत्तल दर्पण का जो उपयोग देखेंगे एकदम खूब बढ़िया से समझना है। हम लोग इस क्लास के बाद दर्पण को समझेंगे भी कि कौन अवतल है कौन उत्तल है, उसको देखेंगे भी, लेकिन एक बार पूरे कंसेप्ट के बाद। तो सभी लोग ध्यान से दीजिए और बढ़िया से इसको समझिए। देखिए इसका पहला उपयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग स्वस्थ दर्पण में करते हैं। अब सभी के मन में लग रहा होगा कि स्वस्थ दर्पण क्या है, स्वस्थ दर्पण क्या है। स्वस्थ दर्पण को ही अंग्रेजी में साइड मिरर कहते हैं। एकदम दिमाग में सेट करना है। साइड का मतलब पीछे देखने वाला, मोटरसाइकिल का जो ऐनक किनारे निकला रहता है वह स्वस्थ दर्पण है और उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक रोशनी में लग करते हैं। परावर्तक रोशनी में उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। यह परावर्तक रोशनी क्या है, तो रोड के किनारे गली में जो लाइट लगाए जाते हैं उससे जो रोशनी निकलता है उसको परावर्तक रोशनी कहते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग परावर्तक रोशनी में करते हैं, यह भी ध्यान देना है। तीसरी बात, उत्तल दर्पण का उपयोग पहले गाड़ियों के शोरूम में भी होता था ताकि इसमें जितने शोरूम में वस्तु हैं उस सब का छोटा प्रतिबिंब इसमें आ जाए। और उत्तल दर्पण का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ पर, उत्तल दर्पण का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ पर, तीखे मोड़ पर हम लोग वाहन की स्थिति को देखने के लिए करते हैं। तो यह देखो उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। उत्तल दर्पण का उपयोग फिर से सुनेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग स्पष्ट दर्पण साइड मिरर में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक रोशनी में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के शोरूम में करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग
पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ों पर वाहन की स्थिति पता करने के लिए करते हैं। तो एकदम ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण, अब देखो कुछ बच्चा बैठ के सोच रहा है कि सर तीखा मोड़ पर लगाएंगे पहाड़ देने तो कोई चुरा नहीं लेगा, इंडिया में नहीं चुरा पाएगा, कहीं और रहता तो चुरा लेता, इंडिया में चुराएगा कि नहीं चुराएगा, तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में है तो लगाने वाला भी। अब एक बार का बात क्या हुआ कि अमेरिका में एक चोर पकड़ने वाला मशीन खोजाएगी, और जब यह मशीन अमेरिका में खोजाया तो वहां पर इस मशीन के द्वारा ढेर सारा चोर को पकड़ लिया गया, लगभग 1000 का संख्या में एक दिन में चोर पकड़ाया। अमेरिका का ही दोस्त था फ्रांस, वो कहा कि लाइए लाइए हम भी चेक करते हैं मशीन से, और वह मशीन जब लिया फ्रांस तो फ्रांस में भी 2-3 हजार चोर एक दिन में पकड़ाया, जहां गया वहां चोर ई मशीन से पकड़ाया। इंडिया कहा कि सबसे ज्यादा चोर तो मेरे यहां है, लाइए हम इसको पकड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, और इंडिया में जब मशीन आया तो अगला दिन मशीने चोरी हो गया। इंडिया में तो खैर चोरी नहीं होगा। खैर ध्यान दे, हमने समझाया कि दिमाग तुम्हारा एकदम स्थिर हो जाए और बात को खूब आसानी से समझ। चलिए तो उत्तल दर्पण का भी कंसेप्ट हम लोग समझ लिए। हम लोग दर्पण को अब एक साथ बांधेंगे, हम लोग दर्पण देखे तो इसमें पता चला मुख्य रूप से मेनली रूप से दर्पण तीन है, ऐसे तो दो है समतल गोलिये, लेकिन तीनों को जब बांध दे तो एक है समतल और दूसरा है अवतल और तीसरा है उत्तल। उत्तल अभी जो हम बांध रहे हैं यहीं पर सभी बच्चों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। यदि हम तुमको कहे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, यहां पर समतल में प्रतिबिंब हम सभी लोग जानते हैं काल्पनिक सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। यहां अगर हम लोग देखे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा, इसमें यह दोनों प्रतिबिंब बनता है। और अभी हम लोग देखें उत्तल दर्पण में तो इसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम जो कंसेप्ट समझा रहे हैं उस कंसेप्ट से अभी 5 क्वेश्चन चलेंगे, और जो बच्चा ये 5 क्वेश्चन सही कर लिया उसका एकदम समझो दर्पण क्लियर हो जाएगा। अब सुनेंगे बढ़िया से, एकदम ध्यान दीजिए, और जो एकदम ध्यान देंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें चले आकार, तो समतल दर्पण में बराबर आकार का प्रतिबिंब मिलता है, अवतल दर्पण में बड़ा बराबर और छोटा तीनों आकार का प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल में चले तो इसमें केवल छोटे आकार का प्रतिबिंब मिलता है। उसके बाद हम लोग एक और बंधन बांध ले इसमें उपयोग, उपयोग तो समतल का उपयोग हम लोग जानते हैं ड्रेसिंग टेबल में करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में। दूसरा हम लोग चले समतल के बाद इसमें उपयोग में तो पेरिस्कोप में, सब पढ़ा हुआ है बस एक जगह बांध रहे हैं पेरिस्कोप में। तीसरा अगर हम लोग चले तो सजावट की सामग्री में, सजावट सामग्री में। और चौथा हम लोग चले कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप में। और पांचवा चले सोलर कुकर में। 5 प्रयोग हम लोगों ने देखा समतल दर्पण में। उसके बाद याद होगा अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखे थे हजामत बनाने में, हजामत बनाने में।
दूसरा गाड़ियों के हेडलाइट में, तीसरा तीसरा ध्यान देंगे हेडलाइट के बाद हम लोग देखे थे ENT विशेषज्ञ, आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, जो ENT विशेषज्ञ है यह भी इसका प्रयोग करता है। उसके बाद देखे थे सौर भट्टी में, सौर भट्टी में, और तब देखे थे सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, और यहां हम लोग देखे थे सोलर कुकर में, इसमें भी सोलर कुकर देखे थे और बताए थे किसका सोलर कुकर, समतल के सोलर कुकर से ज्यादा उष्मा प्रदान करता है। यहां चले उत्तल में, तो हम लोग अभी देखे स्पष्ट दर्पण में, स्पष्ट दर्पण में, इसमें चले हम लोग स्पष्ट का मतलब समझाए तुमको साइड मिरर में। इसके बाद हम लोग देखे साइड मिरर के बाद दूसरा नंबर, तो सभी लोग जानते हो, तो पहला था, दूसरा जल्दी बताओ। साइड मिरर के बाद हम लोग देखे परावर्तक रोशनी के रूप में, परावर्तक रोशनी में, और तीसरा गाड़ियों के शोरूम, गाड़ियों के शोरूम में, और चौथा इसमें हम लोग कभी देखे तीखे मोड़ों पर वाहन की स्थिति पता करने के लिए, तीखे मोड़ों पर वाहन की स्थिति पता करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। बात समझेंगे बढ़िया से। उसके बाद एक टर्म और चलेंगे, पहले क्वेश्चन राउंड देख लेते हैं, और क्वेश्चन राउंड के बाद जितना समझ में आएगा वो क्लियर है। हम समझते हैं यह सब बात जो मैंने बोर्ड पे नोट किया वह सभी बच्चों का स्पष्ट होगा। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, यहां से क्वेश्चन राउंड शुरू हो रहा है, एकदम ध्यान से बनाइएगा। पहला क्वेश्चन शुरू है, पांच क्वेश्चन में बुद्धि एकदम तेज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और हमारा ऑप्शन ए में है समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, ऑप्शन बी हमारा है अवतल दर्पण में, और ऑप्शन सी हमारा है उत्तल दर्पण में, सी हमारा उत्तल दर्पण में, और डी है हमारा इनमें सभी में, इनमें सभी में, ऑल। क्वेश्चन सुन के आंसर करना है, जल्दी से करिए। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए समतल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी उत्तल दर्पण में, और डी इनमें सभी में। फिर से, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और इनमें सभी में। जल्दी से टिक लगाई। तो अभी हमने देखो कितना बढ़िया टर्म है, एकदम समझो समतल में काल्पनिक है कि नहीं, तो है, अवतल में काल्पनिक है कि नहीं, तो है, और उत्तल में काल्पनिक है कि नहीं, तो यहां भी देखो काल्पनिक है, इसीलिए सही आंसर हम लोग का होगा ए बी सी डी सभी में, सभी में, बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर टू, केवल केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चॉइस ए में चल रहे हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, बी में चल रहे हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, और सी में चल रहे हैं उत्तल दर्पण में, एकदम ध्यान देना है, और डी में है
बी और सी जल्दी से बताना है क्या लग रहा है सही आंसर। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एकदम जल्दी में बताना है, तेजी में बताइए, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ए अवतल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी उत्तल दर्पण में और डी में, बी और सी दोनों में। जल्दी से बोलिए, एकदम जल्दी से बोलना है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल और डी में, बी और सी दोनों है। जल्दी, तो अभी हम लोग देखे इसको, केवल काल्पनिक आ रहा है तो समतल में केवल काल्पनिक बन रहा है, उत्तल में भी केवल काल्पनिक बन रहा है, अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, समतल और उत्तल में। बहुत बढ़िया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट की ओर ध्यान देना है। अगला नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चॉइस ए अवतल दर्पण में, बी समतल दर्पण में और सी दोनों में और डी उत्तल दर्पण में। चलिए जल्दी से सही करिए, बराबर आकार का प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, अवतल में, समतल में, दोनों में, उत्तल दर्पण में। बराबर आकार का प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, दोनों में, उत्तल दर्पण में, एकदम तेजी में बताइए, बराबर आकार का प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, अवतल में, समतल में, दोनों में, उत्तल दर्पण में, एकदम जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, बराबर कह रहा है तो सभी लोग टिक लगा रहे होंगे कि समतल में, तो एक बार पीछे चला जाए और कंसेप्ट को समझा जाए, समतल में बराबर है, बिल्कुल सही, और अवतल में भी तो एक जगह बराबर है, तो बराबर आकार का प्रतिबिंब हम लोग को दोनों दर्पण में दिखाई देगा और वह आंसर होगा सी ना कि डी। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसमें सही करिए, छोटा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, छोटा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, छोटे आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कहाँ होता है यह बताना है सभी को। चॉइस ए में हम चल दे रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें अवतल दर्पण कर दिए, अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण कर दिए, उत्तल दर्पण, और सी में दोनों कर दिए और डी में समतल दर्पण कर दिए। जल्दी बताइए, छोटे आकार का प्रतिबिंब सब मैंने पढ़ाया है, छोटे आकार का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आकार का जो प्रतिबिंब है वह अवतल दर्पण में भी होगा और उत्तल में भी होगा, तो सही आंसर होगा दोनों में, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, समझें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलें, पांचवा नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लोग सही करते हो। एकदम, यदि केवल कह दे कि केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो चॉइस ए में हम लोग देखें, ए में समतल दर्पण में, ए में
समतल दर्पण में, बी में अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और सी में हम लोग देखें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और डी में सभी में। क्वेश्चन में हम समझे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और जो समझेंगे वही बना पाएंगे। बोलिए केवल छोटा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? ए है समतल दर्पण में, बी है अवतल दर्पण में, सी है उत्तल दर्पण में, और डी सभी में। क्या लगता है कहाँ प्राप्त होगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो केवल छोटा कहेगा तो बिल्कुल सही आंसर है सी उत्तल दर्पण में। सी उत्तल दर्पण में ही केवल छोटा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चले 6। एक इसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे और फिर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और फिर इसी प्रकार का बॉन्डिंग देंगे ताकि तुमको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो पढ़ने का फिर कोई मकसद नहीं। पढ़ने का मकसद है कि एकदम जो पढ़ो वो एकदम बुझाए। खाने का मकसद है कि एकदम मोटाए, बिना नहीं मोटाएंगे तो का लेके खाएंगे। इसीलिए उसी प्रकार है कि पढ़ेंगे तो सवाल बनेगा और सवाल एकदम सभी बच्चे से बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। और जो लोग एकदम ध्यान दे रहे हो बिना कोई एकदम जो है डिस्टर्बेंस का पढ़ रहे हो, बिना डिस्टर्बेंस का एकदम पढ़ रहे हो, कहीं से तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तो समझो बढ़िया चैनल से जुड़े हो, एकदम सही हो। तो चलिए इसमें देखे 6 नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उम्मीद है सब बना दोगे। केवल बराबर आकार का प्रतिबिंब, केवल बराबर आकार का प्रतिबिंब, केवल बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चॉइस ए में देख लेते हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, बी में हमने दे दिया अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और सी में हमने दे दिया उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और डी में हमने दे दिया सभी में, सभी में। जल्दी से एकदम बताइए, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम ध्यान दिया जाए, बढ़िया समझे हैं। केवल बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कहां? समतल दर्पण में, उत्तल में, अवतल में, कि सभी में? तो केवल बराबर कहेगा तो समतल में, और बराबर कहता तो अवतल और समतल दोनों में। बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कर ले, अंतिम लास्ट है, इसके बाद हम लोग टॉपिक की ओर चलेंगे। जल्दी से बताइए अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अग्रदीप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अग्रदीप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? किस दर्पण का उपयोग होता है? चॉइस ए में है हम लोग का अवतल, बी में है उत्तल, सी में है समतल, और डी में है सभी। जल्दी से बताना है किस दर्पण का उपयोग होगा, अवतल, उत्तल, समतल, जल्दी बताइए किस दर्पण का उपयोग होगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अग्रदीप में, अग्रदीप को ही गाड़ी जो हेडलाइट देखे हो, गाड़ियों का हेडलाइट, उसी हेडलाइट को तो अग्रदीप कहते हैं। और अग्रदीप में हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते थे, तो हम लोग का सही आंसर होगा अवतल दर्पण। और यह सभी को एकदम समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चले,
और ध्यान देना है बढ़िया से, अब देखिए दर्पण से बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है दर्पण को आधा रंग दे, दूसरा कंसेप्ट है आधा तोड़ दे, और तीसरा कंसेप्ट है पानी में डुबा दे। तीन कंपटीशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, दर्पण को आधा से रंग दे, आधा से तोड़ दे, पानी में डुबा दे, तो क्या पता फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एकदम जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना है आधा रंग दे, आधा तोड़ दे, पानी में डुबा दे, तो दर्पण जितना गोल रहेगा त्रिज्या उसका जो रहेगा वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, और जब त्रिज्या अपरिवर्तित है तो फोकस दूरी भी अपरिवर्तित होगा, आधा तोड़ देंगे तो भी त्रिज्या अपरिवर्तित है, और त्रिज्या जब अपरिवर्तित है तो फोकस दूरी भी अपरिवर्तित होगा, एकदम ध्यान में देना है। सारे केस में वही होगा, एफ और आर यह दोनों अपरिवर्तित होगा, एकदम दिमाग में सेट करिए, एफ और आर यह दोनों जो है अपरिवर्तित होगा, एकदम बढ़िया समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हम समझते हैं दर्पण का जो यह कंसेप्ट हमने दिया कि आधा रंग दें, आधा तोड़ दें, पानी में डुबा दें, सबसे क्या इफेक्ट पड़ेगा जल्दी बताना है, तो कोई इफेक्ट नहीं है। फोकस दूरी त्रिज्या, फोकस दूरी त्रिज्या, फोकस दूरी और त्रिज्या, यह सब जो देख रहे हो एकदम अपरिवर्तित रहेगा। तो एकदम हमको लगता है इस टॉपिक को तुम लोग कवर कर ली। अब यहां से इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और अगला टॉपिक होगा परिपाटी और आवर्धन क्षमता और दर्पण सूत्र तीनों एक साथ। फिर से आवर्धन क्षमता, चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र एक साथ। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके हर 30-25 मिनट के वीडियो में टॉपिक को कवर करते चलेंगे, और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि तुम लोग जिस चैनल से जुड़े हो उस चैनल का नाम है ESR अड्डा, हेरी स्पेशल रिसर्च करने वाला अड्डा है। ये कोई लोकल अड्डा नहीं है कि 10 जाके बैठ गया शुरू हो गया, अड्डे के नाम ही भेरी स्पेशल रिसर्च अड्डा। यहाँ वही पढ़ाया जाता है जिससे प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो एकदम इस चैनल से जुड़े रहना है, और भेसर अड्डा का एकदम इतना प्रचार फैला दो कि लगे कि बोध गया में हवाई अड्डा के बाद अगर कोई अड्डा है तब भेसर अड्डा है, यही लोग पहुंचे वहां के बाद। तो एकदम हमको लगता है कंसेप्ट क्लियर है। तो तुम लोग का एक बार फिर से क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और सभी को थैंक यू, धन्यवाद।